स्वागत है आप सभी का फिर से एक मेरे नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, मेरे यूट्यूब चैनल साइकिल ट्रेवलिंग दिल्ली में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही अच्छी शानदार लोकेशन पे लेके आए। लोकेशन का नाम है महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। यहाँ पर कई मॉन्यूमेंट, कई इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे बहुत कम लोगों ने देखी हुई ऐसी इमारतें, ऐसे मॉन्यूमेंट जो छुपे हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, हम आपको सारी जानकारी देंगे, टिकट प्राइस, टाइमिंग, हिस्ट्री, लोकेशन, नियर मेट्रो स्टेशन, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। करीबी मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो कुतुब मीनार या छतरपुर मेट्रो स्टेशन से आप इजीली यहां पर 10 मिनट में ऑटो से आ सकते हैं। महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के मोहम्मद कुली खां का आपने मकबरा देखा होगा, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। यहीं पास में ही मोहम्मद कुली खां का मकबरा बना हुआ है और यहीं का एरिया है जो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ज़्यादातर यहां पर लोग मोहम्मद कुली खां का मकबरा देखकर चले जाते हैं। यहां पर बने हुए कई मॉन्यूमेंट ऐसे हैं जिसका नाम है चौमुखी दरवाज़ा, बारादरी, और भी यहां पर कई मॉन्यूमेंट बने हुए हैं। यहाँ की टिकट प्राइस की बात करें तो मोहम्मद कुली खां के मकबरे की टिकट प्राइस है 25 रुपये पर व्यक्ति और सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक ये खुला रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये है चौमुखी दरवाज़ा और यह दरवाज़ा बना हुआ है दिल्ली के महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर कुतुब मीनार परिसर के बिल्कुल पीछे बना हुआ है दरवाज़ा है। इसका नाम है चौमुखी दरवाज़ा और इसको चौमुखी दरवाज़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ द्वार बने हुए हैं। देख सकते हैं आप, जैसा कि मैं इसके अंदर आ गया हूँ और अंदर से आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं, मेहराबें खुली हुई हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है चौमुखी दरवाज़ा। और सामने आप कुतुब मीनार का देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर बना हुआ है। अगर आप मोहम्मद कुली खां का मकबरा देखने आते हैं तो आपको यहाँ वहीं पर ये देखने को मिल सकता है। मोहम्मद कुली खां के मकबरे के जस्ट सामने ये जो इमारत बनी हुई है इसका नाम है मेडकॉप बोट हाउस। ये पहले लोधी काल की एक इमारत हुई थी। यहाँ पर ASI का बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ ये संभव लोधी काल का एक मकबरा था जिसे बाद में थॉमस मेडकॉप ने रूपांतरित किया और दिलकुश थॉमस मेडकॉप का ग्रीष्मकाल आवास में शामिल कर लिया गया। मूल वर्गाकार मकबरे में अर्ध वृत्ताकार मेहराब बनाए गए हैं जो स्पष्ट रूप से ब्रिटिश प्रभाव को दर्शाता है। इस इमारत में आगे एक कृत्रिम जलाशय बना हुआ है जो वर्षा के दौरान जल से भर जाता है। ये है कृत्रिम जलाशय जिसे बारापुला नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको कई प्रकार के फाउंटेन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, उसका चार्ज आपको अलग से देना होगा। दोस्तों, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के मोहम्मद कुली खां के मकबरे के पास में आपको ये सारी चीज़ें देखने में को मिलेंगी। यहाँ पर टिकट चार्ज लगता है 25 रुपये। आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, महिला मित्र के साथ आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। पिकनिक मनाने की बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आपको एक कैफे कैंटीन देखने को मिलेगा, ऑर्डर देकर आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं।
दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दिल्ली के मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री जानने के लिए, दिल्ली में ट्रेवलिंग करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर जानकारी के साथ, हिस्ट्री के साथ, लोकेशन के साथ वीडियो दे सकूँ। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।